before learn something, please subscribe this channel, like and share this video and press bell icon so that you can get more. Welcome student, aaj hum countdown 5 uska third edition chapter number 1 word problem exercise kar rahe hain jo page number 16 pe hai. To aaj hum वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं. उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से सुनेंगे और वीडियो के आखिर तक देखेंगे. इसके दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, दोनों को सॉल्व करने के बाद फिर आगे थर्ड की तरफ चलेंगे. पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूं. जंबो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स. If one box contains 144 candles, how many boxes must be shop order for stock of 100,080 candles? एक स्टोर है, फैंसी स्टोर है, जंबो फैंसी स्टोर. वो कैंडल्स लेना चाह रहे हैं तो एक बॉक्स में 144 कैंडल्स आती हैं. तो उन्होंने लेनी है 100,080 कैंडल्स, तो उसके लिए कितने बॉक्सेस का वो ऑर्डर देंगे. तो हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं. 144 कैंडल्स इन वन बॉक्स, क्योंकि हमें बॉक्स मालूम करना है. इसकी बॉक्स जो है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, और 140 कैंडल्स इन वन बॉक्स, 100,080 कैंडल्स इन. अब हमने देखना है कि कितने बॉक्सेस में आएगा, तो ये अभी हमारा क्वेश्चन मार्क है. तो हम यहां पे करेंगे क्या, हम जो ज्यादा कैंडल्स हैं थोड़ी कैंडल्स पे उसको डिवाइड कर देंगे. इस तरह से हम इसके बारे में जान पाएंगे कि ये कितनी कैंडल चाहिए हमें. तो यहां पे हम इसका रफ वर्क करते हैं. 144, सबसे पहले हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 144, देखिए एक डिजिट हम नहीं लेंगे, वो स्मॉलर है, ये ग्रेटर है. उसके बाद दूसरा डिजिट लेंगे तो 10 बन जाता है, अभी स्मॉलर है. तीसरा डिजिट लेंगे 100 बन जाता है, फिर भी स्मॉलर है. इसलिए हम फोर्थ डिजिट लेंगे जो 1000 है. तो 144 को मैं 9 से कर, 9 से हमने देखा है कि ये बढ़ गया है, इसलिए हम इसको 6 से करते हैं. 6 फोर जर 24, 2 कैरी. 6 फोर जर 24 एंड 2, 26, 2 कैरी. 6 वन जर 6 एंड 2, 8, 864. अब यहां से हम बारो लेंगे, तो यहां से ये 10 है, ये 10 हो गया था, फिर ये 10 हो गया. बारो लेते हुए 10 माइनस 4 6, यहां पे 9 रह गया था, 9 माइनस 6 3, और यहां पे 9 रह गया था, 9 माइनस 8 1, ऊपर से हमने ले लिया 8. तो अब हम इसको 9 से करते हैं. 9 से करेंगे इसको. 9 फोर जर 36, 3 कैरी. 9 फोर जर 36 एंड 3, 39, 3 कैरी. 9 वन जर 9 एंड 3, 12. तो 1296, 8 माइनस 6 2 आ गया. 6 जो है वो 9 से स्मॉलर है, सो हम यहां से एक बारो लेंगे. बारो लेने से हमारे पास 16 आ गया. 16 माइनस 9 7, ऊपर से हमारे पास 0 है, वो हम ले लेंगे. तो पहले हमारा क्या था, 6 से, दूसरी दफा हमारा 9 से, और अब तो हम तीसरी दफा देखते हैं इसको किससे कर रहे हैं. तीसरी दफा हम इसको 5 से चेक करते हैं. 5 फोर जर 20, 2 कैरी. 5 फोर जर 20 एंड 2, 22, 2 कैरी. 5 वन जर 5 एंड 2, 7. तो 720 आ गया. तो ये हमारा पूरा पूरा जो है ये डिवाइड हो गया. तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर आया है 695
बॉक्सेस कि इतनी जो कैंडल्स उन्होंने लेनी है 100,080 कैंडल्स वो 695 बॉक्सेस में आएंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर 380 होमलेस फैमिलीज। बहुत से लोगों के पास घर नहीं होते तो उनके लिए हुकूमत जो है वो घर बनाने का प्रोजेक्ट एक बना रही है और गवर्नमेंट ने घर बनाने हैं 382। इफ ईच कॉस्ट 400,906, अगर हर एक की जो कीमत है उसके जो पैसे लगते हैं लागत आएगी वो 400,960 है तो हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर। तो इस ये जो पूरा बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है इसकी पर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम इसको करते हैं अभी। यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन होम, एक घर की कीमत है 400,960, then cost of 382 homes, इनकी cost कितनी होगी? इनकी cost find करने के लिए हमें इसको multiply करना पड़ेगा 382 से। यहां पे से multiply करते हैं 400,960 मल्टीप्लाई 382। पहले हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0s are 0, 2 6s are 12, 1 carry, 2 9s are 18 एंड 1 19, 1 carry, 2 0s are 0 एंड 1 1, 2 0s are 0, 2 4s are 8। उसके बाद 8 से हम करेंगे 8, यहां पे हम 0 लगा देते हैं क्योंकि हमने 10 वाला करना है इसलिए 1 के नीचे हम 0 लगा देते हैं। 8 0s are 0, उसके बाद 8 6s are 48, 48 का 8 लगा, 4 हम आगे कैरी ले देंगे, 8 9s are 72 एंड 4 76, 7 इधर कैरी आ जाएगा, 2 0s are 0 एंड 7 7, 2 0s are 0, 2 4s are 8। अब हमने 100 वाला करना इसलिए यूनिट और 10 के नीचे 0 लगा देंगे, 8 से एक दफा फिर चेक कर लेते, 8 0s are 0, 8 4s are 8 6s are 48, 8 लगा 4 कैरी, 8 9s are 72, 72 एंड 4 76, 7 कैरी, 8 0s are 0 एंड 7 आ गया, 8 0s are 0 और 8 4s are 32, 8 4s are 32। अब हम 3 से कर रहे हैं, 3 0s are 0, 3 6s are 18, 1 कैरी आएगा, 3 9s are 27 एंड 1, 3 6s are 18, 1 कैरी, 3 9s are 27 एंड 1 28, 2 कैरी, 3 0s are 0 एंड 2 2, 3 0s are 0, 3 4s are 12। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 0 2 9 and 8 17, 1 carry 8 and 6 14 15 and 16, उसके बाद इसका भी 1 carry जाएगा, 8 and 7 15 and 1 16, 1 carry जाएगा, 8 and 2 and 1 11, 1 carry, 2 and 1 3, 3 and 2 5 and 1, 153,166,720, 153,163,720 रुपीस। तो ये मिलियंस में इसकी कॉस्ट है।